हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, किसके बारे में? मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये प्राइमरी टीचर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि टीजीटी और पीजीटी केंद्रीय विद्यालय का जो केबीएस का जो टीजीटी और पीजीटी का जो आपका वैकेंसी आया है वो किस कितना नंबर का आया है, कितना नंबर का है आपका, उसके बारे में मैं क्या करूँगा यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, कि टीजीटी और पीजीटी में कितने सीट हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं क्या करूँगा डिस्कस करूँगा आपके साथ कि इसका सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं। तो चलिए, अगर आप बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। पूरी कोशिश करूँगा कि सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझा सकूँ, बता सकूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैं बताता हूं आपको, और आप आई होप करता हूं कि आप इस वीडियो में अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर क्लास तक देखेंगे और हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ गलती किया तो आपको जो है वो क्या हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अच्छे से चीज़ों को समझे। तो ये सब चीज़ें जो शुरू में आपको दिया कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का दिया हुआ है केंद्रीय विद्यालय का यहाँ पर, और ये सब आपको दिया हुआ है केंद्रीय विद्यालय संस्थान मेंशन केवीएस ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल इटरेटरी ये अहमदाबाद, ये सब आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको दिया है कि इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केवीएस इनवाइट द एप्लीकेशन ऑफ द इंडियन सिटीजन फॉर द असिस्टेंस कमिश्नर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी पीआरटी म्यूजिक ये सब के बारे में, इंजीनियर सिविल असिस्टेंट सेक्शन सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड टू हिंदी ट्रांसलेटर केंद्रीय विद्यालय संस्थान, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या इसमें इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा कि क्या क्या सीट है क्या क्या। ठीक है, द रिक्वायरमेंट विल बी कंडक्टेड थ्रू, यहाँ पर आपको बता दिया, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इस बार ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। इस बार एग्जाम जो होगा आपका क्या होगा, सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा। ठीक है, और पोस्ट वाइज कैटेगरीज यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ये टेंटेटिव है, ये जो है वैकेंसी जो है आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, ये असिस्टेंट कमिश्नर है तो हम लोग तो अभी मतलब इसमें आप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का भी यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है। मेन बात आती है वाइस प्रिंसिपल का भी यहाँ पर पोस्ट आपको दिया हुआ है, मतलब 203 वैकेंसी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा जो इंतजार करते हैं वो टीचिंग पोस्ट की इंतजार करते हैं, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आ गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आपको दिया हुआ है, हिंदी का है, हिंदी में ये 72 सीट है, ओबीसी में 46 है, 25 तो आप देख सकते हैं, इंग्लिश का दिया है, फिजिक्स का दिया है, केमिस्ट्री का दिया है, मैथ्स का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, कंप्यूटर साइंस का, बायोटेक का, ये सब आपको जो है वो क्या दिया है, आपको दिया है, समझे, ये आपको दिया है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का भी आपको सब वैकेंसी दिया हुआ है। ठीक है, कि आपका हिंदी में कितना है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का हिंदी में कितना है, इंग्लिश में कितना है, संस्कृत में कितना है, सोशल स्टडी में कितना, मैथ में, साइंस में, और फिजिकल साइंस ये क्या, आर्ट एजुकेशन, और ये सब जो दिया है आपको दिया है। टोटल मतलब आपका जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी है 3176। तो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका कैटेगरी क्या है, वो आप जो है वो क्या करिएगा अच्छे से देख लीजिएगा, और जो है आप क्या करिएगा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, आप तो इतना कर ही सकते हैं। लाइब्रेरियन का भी पोस्ट यहाँ पर दिया है, लाइब्रेरियन का पोस्ट जो है आपको दिया है 146 आपको दिया है, ओबीसी में 95, एससी में 53, 26, ईडब्ल्यूएस में 35, और टोटल आपको 335 दिया है। प्राइमरी टीचर का म्यूजिक, प्राइमरी टीचर म्यूजिक का आपको दिया है 124 आपका अनरिजर्व है, ओबीसी में 81 है, एससी में 46 है, ये कुछ इंक्लूडिंग बैकलॉग दिया है आपका, एसटी में ईडब्ल्यूएस में इतना है, इस टाइप से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फाइनेंस ऑफिसर में ये सबसे हम लोग को मतलब नहीं है, असिस्टेंट इंजीनियर का दिया है। तो आप देख लीजिएगा ये पीडीएफ में, आप अच्छे से देख लीजिएगा कि आप क्या कैटेगरी बिलोंग करते हैं और आप
को क्या ये सब दिया हुआ है, ठीक है, ये सब सब आपको दिया हुआ, आप देख लीजिएगा आराम से। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि क्या है, अगर एब्रिविएशन दिया हुआ है तो आप उसमें आप देख सकते हैं कि क्या है, नहीं है, कैसा है, समझे आप उसको समझने के लिए। बाकी आप तो इतना समझदार हैं ही। इसके बाद वैकेंसी आपका इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, रिजर्वेशन जो है SC ST का वो जो गवर्नमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। डिटेल्स रिगार्डिंग द क्या, ये डिटेल्स आपको दिया है, पे स्केल दिया है, एज लिमिट दिया है, सब कुछ आपको दिया है। तो ये आपका असिस्टेंट कमिश्नर का है, तो आप देख, हम लोग तो इसमें बिलोंग नहीं करते, आप इसको भी देख लीजिएगा अगर आप बिलोंग करते हैं तो क्या है। उसके बाद आपका आ गया प्रिंसिपल का है, तो प्रिंसिपल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रिंसिपल को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या है, क्या होना चाहिए आपके पास, क्या नहीं होना चाहिए, पोस्ट नेम क्या है, प्रिंसिपल के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी आप बहुत ही अच्छे से PDF में देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इससे बिलोंग नहीं करते, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वाइस प्रिंसिपल भी आप देख लीजिएगा कि उसका क्या क्वालिफिकेशन है। आगे आते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, जहाँ पर हम लोग टीचिंग बैकग्राउंड की बिलोंग करते हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आ गया, ठीक है। इसमें आपका इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें पे स्केल दिया है, अपर एज लिमिट आपका 40 इयर्स इसमें होता है, और ठीक है 40 ईयर आपका अपर एज होता है। क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या है, तो सीधी सी बात है कि आप जब भी PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आप क्या रहते हैं, मास्टर आपके पास होता है, और साथ ही साथ आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, BEd होना चाहिए। और यहाँ पर PGT पोस्ट के लिए आपको CTET क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है, आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री है और आपके पास BEd है और आपके पास CTET है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, सॉरी CTET नहीं होना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये PGT पोस्ट में आपको CTET नहीं चाहिए, बस आपके पास क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब आपके पास उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आप मास्टर्स हो, आपके साथ साथ BEd होना चाहिए। तो पोस्ट के लिए सब्जेक्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए PGT इंग्लिश हो गया, PGT हिंदी में आपको वन ऑफ द ग्रेजुएट सब्जेक्ट होना चाहिए, PGT आप देख लीजिएगा क्या क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री होना चाहिए, PGT ये सब जो है आराम से सब कुछ दिया हुआ है, आप आराम से PGT कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स एंड ये सब आप देख सकते हैं, आराम से भर सकते हैं। और मैथमेटिक्स के लिए वही PGT अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि अभी जमाना है कंप्यूटर का, तो आपके साथ ये मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ BEd भी होना ही चाहिए, और आपको जो है हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने आना चाहिए, और आपके पास जो है वो कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर का वर्क करना पड़ेगा और आपसे कुछ लेंगे, ठीक है। PGT कंप्यूटर साइंस का सब कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए PGT कंप्यूटर साइंस का क्या क्या है, आप देख लीजिएगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा बारी बारी से, ठीक है। ये हो गया आपका PGT बायोलॉजी का, आपको दिया हुआ है कि देखिए सब कुछ एटलीस्ट 50% बायोलॉजी में होना चाहिए, मास्टर डिग्री बायोलॉजी में होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपको आना चाहिए, और आपके साथ जो है BEd भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप आराम से PDF को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपना देख लीजिएगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT का पोस्ट है, इसमें आता है इंग्लिश का, हिंदी का, सोशल स्टडी का, साइंस का, संस्कृत का, मैथमेटिक्स का, फिजिकल हेल्थ का, आर्ट एजुकेशन का, और ये सब आपका वर्क एक्सपीरियंस का, ये सब कुछ का होता है, ठीक है। इसमें एज लेवल आपका 35 ईयर्स होता है, आप 35 ईयर्स के बिलोंग करते हैं तो ये होना चाहिए। फिर आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, देखिए TGT के क्वालिफिकेशन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपका छटते हैं, ठीक है। तो TGT के क्वालिफिकेशन मतलब अगर आप TGT में अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार PDF को बहुत ही अच्छे से सरसरी निगाह से सभी चीज़ों को जो है वो क्या करिएगा, देख लीजिएगा कि क्या है नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन रहा है फ्रेंड्स तो ही आप अप्लाई कीजिएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। नहीं तो अगर आप बहुत मेहनत करेंगे, और मैं आपको दुखी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आप हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के कम्बिनेशन को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब हमको इंटरव्यू होता है और जब वो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वो बहुत सारे चीज़ों में छट जाते हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये फोर इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एटलीस्ट रीजनल लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन NCERT द कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए पूरे में, या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट कम्बिनेशन सब्जेक्ट सो एग्रीग्रेट में मतलब मिला करके सब में या एग्रीग्रेट में तो आप हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आप वहाँ पर 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, मतलब कि ओवरऑल आपका 50% मार्क होना चाहिए और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट में एग्रीगेट करके वो भी आपका जो है वो क्या होना चाहिए 50 मार्क्स होना चाहिए। एक बार अपने से सर्टिफिकेट को देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आ जाइए। अगर आप TGT सब्जेक्ट है या ग्रेजुएशन लेवल TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश होना चाहिए आपका तीनों साल में। हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑल थ्री होना चाहिए, और TGT SST के लिए करते हैं तो टू ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, जो कि आपको नीचे मेंशन किया हुआ रहेगा, जैसे कि दो होना चाहिए, हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस मस्ट भी, ठीक है। TGT साइंस के लिए बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, TGT संस्कृत में आपका सब संस्कृत होना चाहिए तीनों साल, और मैथ वाले बैचलर डिग्री आपका मैथमेटिक्स में होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके साथ कोई दो कम्बिनेशन होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए केमिस्ट्री होना चाहिए, कोई भी दो सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स कुछ भी आपका होना चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिएगा, और उसके बाद जो है आपका BEd डिग्री होना ही चाहिए, और आप सीटेट पेपर भी आपके पास होना चाहिए, जो कि होता है सीटेट पेपर टू आपके पास होना चाहिए अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस फॉर्म बाय द NCT ऑफ द प्रपोज प्रोफेंसी इन टीचिंग। आपको हिंदी और इंग्लिश में आना चाहिए क्योंकि केंद्रीय विद्यालय डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में लोकेटेड होते हैं, और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आना चाहिए क्योंकि वो इंटरव्यू में आपका लेंगे। ये सब देख लीजिएगा, कंप्यूटर नॉलेज तो आपको बेसिक होना ही चाहिए, और आपको जो है वो पे स्केल ये दिया हुआ है आपका, ये तो मोटिवेशन आपका हो गया, जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको इतना सैलरी आपको मिलेगा। एज आपका कंप्लीट 35 इयर्स यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सब कुछ दिया हुआ है पोस्ट सब्जेक्ट के साथ, TGT इसके लिए ये दिया हुआ है, TGT AE के लिए आपको दिया हुआ है, ये आप सब देख लीजिएगा, TGT WE के लिए भी आपको सब कुछ दिया हुआ है। जो भी आप बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, PDF में एक बार अच्छे से सरसरी निगाहों से सारी चीज़ों को देख लीजिएगा और उसके बाद अप्लाई करिएगा। लाइब्रेरियन का भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या है इसका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, प्राइमरी टीचर का भी, म्यूजिक का प्राइमरी टीचर, म्यूजिक प्राइमरी टीचर के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, तो ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फाइनेंस ऑफिसर का भी आपका सब कुछ दिया हुआ है कि क्या है नहीं है, ये सब भी आप देख लीजिएगा जो भी आप बिलोंग करते हैं। और असिस्टेंस इंजीनियर का भी आपको यहाँ दिया हुआ है, सिविल का शायद एक ही पोस्ट है, उसको भी आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ आपको दिया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी आपको दिया है, ये भी आप देख लीजिएगा। हिंदी ट्रांसलेटर का भी आप देख लीजिएगा, पे स्केल देख लीजिएगा, पोस्ट नेम आप देख लीजिएगा, ये भी इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और सीनियर असिस्टेंस भी आप इसको अच्छे से जो भी है आपका देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफर का क्या है क्वालिफिकेशन, ये भी आप फ्रेंड्स आप उसको देख लीजिएगा, इसका क्या है और क्यों क्या करना है। जूनियर सेक्रेटरीज का भी देख लीजिएगा कि आपका क्या है, सब अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी आप पोस्ट से बिलोंग करते हैं वो सब कुछ अच्छे से। एज रिलैक्सेशन वही है आपका कि मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन, कास्ट SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का मिलेगा, अदर बैकवर्ड से 3 साल का मिलेगा। ओमेन बिलोंग करते हैं तो TGT PGT और लाइब्रेरियन PRT में ही ओमेन कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी के हैं तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, और कैंडिडेट 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो 3 साल तक लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने आपने काम किया है तो आपको जो है वो 5 साल 3 साल तक आपने कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में तो 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल वाले कैंडिडेट को, OBC वाले कैंडिडेट को 8 साल का मिलेगा, और SC ST को जो है वो कितना मिलेगा, 10 साल आपको मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये कुछ कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया है कि कौन कौन से कैटेगरी को क्या क्या रिजर्वेशन मिलेगा, तो आप क्या क्या जो बिलोंग करते हैं आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा और उसके बाद डिसाइड करिएगा कि क्या है आपके पास, क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया। All of the concerns mentioned above, all the concurrent, if a person eligible for more than one concession, only one of the concession of the highest permissive limited will be granted. ठीक है, तो
ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा समझूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब ये कट ऑफ डेट है, तो कट ऑफ डेट ऑफ से पहले, फॉर्म भरने से पहले 26, आपको पता होना चाहिए, 5 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और 26 दिसंबर को फॉर्म भरना लास्ट हो जाएगा। और आपको जो है इससे पहले सारे चीज़ों का डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके क्या करना होगा, सब कुछ कर लीजिएगा। तभी अगर आप फॉर्म भर दिए, मान लीजिए आपने 6 दिसंबर को फॉर्म भर लिया और आपने 26 या फिर जनवरी का फॉर्म, ये कुछ सर्टिफिकेट बनवाया, तो जब आप फॉर्म तो आपने भर लिया, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे और आपका वहाँ पर वो देखेंगे कि आपका फॉर्म अप्लाई करने के बाद का आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपका आपको कोई भी चीज़ को मानेंगे नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ का आप बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सारे सर्टिफिकेट जो है वो रेडी कर लीजिएगा, अभी भी कुछ टाइम है, और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। और अगर आपके पास नहीं होगा तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं डालिएगा, किसी और में आप अपन देख लीजिएगा, लेकिन जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सारा रेडी होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले। अब यहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कुछ कंडीशन दिया है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा जो होता है। ठीक है, ये सब होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सब कंडीशन दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा, इन्होंने बोला है कि द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व्स ईडब्ल्यूएस मस्ट पोस्ट इनकम एंड एस एस सर्टिफिकेट क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इन दिस एडवर्टीजमेंट अकॉर्डिंग दिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एस एस असिस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन स्टेज, आपसे वो मांगेंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश हिंदी संस्कृत मैथ साइंस सोशल ए वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट इशूड बाई द ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ इसेंशियल एलिजिबिलिटी। तो एक जो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा था यहाँ पर कि क्या सीटेट कैंडिडेट को जो अपीयर करने वाले हैं उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ जो भी लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जिनके पास सर्टिफिकेट होगा वही जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पर यह है कि अपीयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए कि बाद में कुछ ट्यूटर कैंपेनियन चलाया जाएगा या कुछ विरोध प्रदर्शन होगा तो ये एलिजिबल करेंगे। फिलहाल तो आप इस पॉइंट को अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो फिलहाल ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अप्लाई, इन्होंने जो है वो क्या, इन्होंने जो है वो नहीं किया है अपियरिंग कैंडिडेट को, इन्होंने चांसेस नहीं दिया है। आप, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट अपियर करें उनको भी चांसेस मिले, बट मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो डॉक्यूमेंट्स बोलेगा, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो यह लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश इंग्लिश संस्कृत मैथ ए वैलिड सीडेट सर्टिफिकेट इशू बाई द सीवीएस और बिफोर द डेट ऑफ एसेंशियल एलिजिबिलिटी कैटेगरी पर उनके पास होना चाहिए, नहीं तो अपियरिंग वाले अभी अलाउ नहीं है। बाद में देखिए कुछ ट्यूटर कैंपेनियन होता है तो ही कुछ यहाँ पर कुछ हो पाएगा, या कुछ ऐसा कुछ बाद में डिसीजन होता है, तो फिलहाल अभी आप एलिजिबल नहीं है, तो आपके पास सारा कुछ होना चाहिए। तो वही है, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका डेमो होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू लेने के बाद आपका जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आप कर पाइएगा। फिर आपका यहाँ टेंटेटिव दिया है, बहुत सारा क्या दिया है, आपका सब कुछ आपका दिया है कि कौन कौन से स्टेट में आप कौन कौन से सेंटर अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आप दिया है, तो आप देख लीजिएगा कि कौन से स्टेट में बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्या करिएगा, यहाँ पर अप्लाई करिएगा और देखिएगा। झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, तो एक झारखंड का बोकारो दिया हुआ है यहाँ पर कि झारखंड में बोकारो है, तो मेरे लिए ये सही है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, धनबाद है जब, हाँ देखिए देखिए, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं जो हूँ वो मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, रांची होगा, तो मैं रांची ही अप्लाई करूँगा। ठीक है, रांची ही अप्लाई करूँगा कि रांची आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये मैं आप मतलब आप अपना देख लीजिएगा आपको क्या है कंडीशन, और आप देख लीजिएगा जल्दी से फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप भर ही दीजिएगा,
तो ही आपको जो है अपने मनपसंद का सेंटर मिलेगा, नहीं तो आपको जो भी आप ऑप्शन चूज करिएगा वो दो तीन ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको दो तीन ऑप्शन चूज करना है। फिर आपका पहला ऑप्शन अगर आप चूज कीजिएगा, अगर वहाँ सीट फुल हो गया, अगर उनको सीट नहीं मिला, तो आपके सेकेंड ऑप्शन वाले या थर्ड ऑप्शन वाले में आपको जो है वो क्या करेंगे। तो अंडरस्टूड है, तीन ऑप्शन इसलिए भरवाया जाता है फ्रेंड्स, ताकि अगर आपने जो चीज सेंटर को चूज किया और अगर आपने वहां पर उनको नहीं मिला तो आपको दूसरे सिटी में वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो दो तीन ऑप्शन भरवाते हैं, ताकि अगर वहां पर सीट भर जाए तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्म को एक बार समझ लीजिएगा और उसके बाद जो है जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा, तो आपको अपना मनपसंद सीट मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, वही सब आपको दिया, रिटर्न एग्जामिनेशन है, सब कुछ इफेक्टिव है, ये सब अप्लाई करना है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, आईडी, ईमेल आईडी, सब सब कुछ अच्छे से देना, सब कुछ पॉइंट आपको दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सब कुछ है। एक और पॉइंट दिया है, जो भी एससी एसटी बिलोंग करते हैं वो उनको कोई भी पैसा नहीं देना है, एक सर्विस मैन है वो उनको किसी प्रकार का कोई फी पेड नहीं करना है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ पर आप पॉइंट को देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर जो है आपका उनको नहीं भरना है, जो कि अगर आप एससी एसटी बिलोंग से एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है फीस नहीं, लेकिन नो फी इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग एससी एसटी एंड एक सर्विस मैन कैटेगरी को नहीं चाहिए फी वंस डिपॉजिट। अगर आपने फी भर दिया तो किसी भी केस में आपको जो है वो फी लौट मतलब आपका जो है वो नहीं लगेगा, और एससी एसटी कैंडिडेट, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ट को जो है वो फी नहीं देना है, एक सर्विस मैन है उनको भी फी नहीं देना है, और जो वही है ओबीसी आप हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए और जनरल कैटेगरी हो गए, उनको फी पेड करना है, ठीक है। उसके बाद लिंक वही ऑनलाइन जो फी होता है तो दिया है आपका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, अगर आप असिस्टेंस कमिश्नर के लिए अप्लाई करें तो आपको 2,300 फी देना, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2,300 देना, वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 2,300 देना है, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1,500 देना है, असिस्टेंस इंजीनियर के लिए आपको 1,500 देना है, पीजीटी के लिए आपको देना है 1,500, टीजीटी के लिए भी आपको देना है 1,500, लाइब्रेरियन के भी देना है 1,500 और पीआरटी को भी आपको देना है 1,500, सबको 1,500 देना है। और यहाँ पर क्या जो दिया है कुछ जूनियर टीचर पीआरटी को भी शायद इन्होंने 1,500 ही डिमांड किया है, तो पीआरटी वाले कैंडिडेट को भी जो है 1,500 फी पेड करना होगा, तो फी थोड़ा सा महंगा है लेकिन क्या कीजिएगा, आपको जॉब लेना है तो आपको फी इतना पेड करना ही होगा। और ये सब देख लीजिएगा ईडब्ल्यूएस में क्या अप्लीकेबल है, कौन से कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, क्या है नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आप अच्छे से भरिएगा और अच्छे से होगा। इन्होंने लिखा है कि द नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट करेक्टली, जो भी मार्क आपका जो सर्टिफिकेट में होगा, एट द टाइमिंग ऑफ द ऑनलाइन कैंडिडेट विल फिल पार्टिकुलर द नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ कास्ट करेक्टली आफ्टर द एग्जामिनेशन और द टाइम ऑफ इंटरव्यू रिक्वेस्ट ऑफ द चेंज पार्टिकुलरली, मतलब ये आप अपना अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना फादर्स का नाम, अपना मदर्स का नाम, अपना सब कुछ जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से, समझदारी से, ईमानदारी से अच्छे से भरना है आफ्टर द एग्जामिनेशन और द एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। शायद ये आपको नहीं देंगे टाइम बाद में सुधरवाने के लिए, तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो चारों कान खोल करके, सॉरी दो ही कान होता है, तो सब कुछ अच्छे से देख करके आप जो है सब कुछ को फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर आपने कुछ गलत किया, आपका डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और है आपका कुछ, और आपने कुछ और भर दिया, तो ये उसको कंसीडर नहीं करेंगे और ये जो है आपको क्या करेंगे, ये आपको वहां पर आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो तभी आपको अलाउ करेंगे जब आप जो है वो तभी आपको अलाउ करेंगे जब आपका सारा कुछ क्लियर रहेगा, सब कुछ आपका सही रहेगा। तो इस पर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप जब भी फॉर्म भरिएगा तो इत्मीनान से फॉर्म भरिएगा, और फॉर्म भरते समय सारे चीज़ों को, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम, अपना कास्ट, सब कुछ अच्छे से भरिएगा ताकि आपका कोई मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। ए लिंक विल द प्रोवाइडेड विद द कैंडिडेट, अब एडमिट कार्ड वही आता है, तो लिंक जब भी आपका नोटिफिकेशन मतलब एग्जाम का डेट आएगा तो ये इन लोग नोटिफाई करेंगे और आपको लिंक देंगे, वहीं से आपको डाउनलोड
करना होगा और किसी को, अब ऑनलाइन का जमाना है, जनरली आप देखते होंगे कि पहले जब आज से 5 साल 10 साल 12 साल पहले जब एग्ज़ाम होता था तो जनरली जो है वो सारा आपका पोस्ट बाय पोस्ट से आता था, लेकिन अभी एक लिंक होता है, वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालना होता है, जो भी हो डेट ऑफ बर्थ, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपको एडमिट कार्ड मिलता है। तो ये आपको नहीं सेपरेट भेजेंगे, ठीक है। ए कैंडिडेट अप्लाई मोर देन वन पोस्ट ही सी एलिजिबल डिजायर टू डू, हाँ ये भर सकते हैं आप, एक से अधिक पोस्ट पर आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है भरते हैं फॉर्म तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपके पास वो डिजायर, अगर आप जैसे कि आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पीआरटी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास टीजीटी के लिए भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और याद रखिएगा तीनों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो तीनों में आपको सेपरेट सेपरेट फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको मतलब आपके पास उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और हर एक पोस्ट के लिए आपको जो है अलग अलग फी पेड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये देखिए सब पॉइंट पढ़ लीजिएगा, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और आपको क्या लिखा है, इन द केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिटेड कैंडिडेट फॉर ए वन बोथ द एप्लीकेशन विल बी इन द केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर ए पोस्ट बोथ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड इफ, यहाँ लिखा है कि द कैंडिडेट हु आर फिलिंग एप्लीकेशन मोर देन वन पोस्ट एडवाइज टू सेलेक्ट द, यहाँ लिखे देखिए, ए कैंडिडेट अप्लाई मोर देन वन ही एलिजिबल फॉर टू डू सच केसेस कैंडिडेट विल पे द रिक्वेस्ट फी। अगर आप दो या तीन से अधिक पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर एक फीस के लिए, आपको हर एक पोस्ट के लिए आपको फी पेड करना होगा, एक ही फी में आप जो है दो तीन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। However, the PGT TGT candidates shall be apply one of the subject post. The written examination of the PGT will conducted in a single shift. PGT TGT का जो है, a candidate will apply only one post as, मतलब एक ही post पर apply कीजिएगा, test for all of the subject conducted in a single shift. Single shift में आपका होगा, ठीक है। The candidate application more than one post advised to select the same option of examination city because the examination of different post may be conducted in morning afternoon shift next day. आप अगर एक या से अधिक पोस्ट पर अगर अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो एक ही सिटी को चूज करिएगा। हो सकता है कि मान के चलिए आपका पीआरटी का एग्ज़ाम हो मॉर्निंग शिफ्ट में और टीजीटी का एग्ज़ाम हो जो इवनिंग शिफ्ट में, तो आपके पास तो हेलीकॉप्टर नहीं ना है कि आप तुरंत एक घंटा में आप दिल्ली से वाराणसी चल जाइएगा, तो आप एक ही सिटी में करिएगा। ये सब कॉमन सेंस वाली बात होती है ताकि आप एक घंटे के टाइम में आप जो है कहीं पर आराम से पहुँच जाएँ, ठीक है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, 5 तारीख से स्टार्ट होगा, 26 तारीख को आपको आपका खत्म हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा डेट आपको, ठीक है। और ये सब आपको दिया है कैंडिडेट के लिए सब कुछ, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या है नहीं है, रिजल्ट इंटरव्यू का कंडीशन सब कुछ आपको दिया हुआ है क्या क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए इन्होंने दिया है कि इफ देयर इज टू और मोर कैंडिडेट विद सेम कैटेगरी तो फाइनल रिजल्ट, मतलब सेम कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो जिनका एज ज्यादा रहेगा उन्हीं को प्रेफरेंस दिया रहेगा। तो ये सब कुछ आपको जो है वो आपको कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका पीआरटी टीजीटी और डिफरेंट पोस्ट का एक अच्छा सा रिव्यू हो गया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि सिलेबस क्या चेंज हुआ है, क्योंकि इससे पहले काफी दिनों से जो है आपका सब कुछ चल रहा था, सिलेबस हुआ है कि नहीं। तो चलिए अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सिलेबस आपका चेंज हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं। थोड़ा खोलता हूं मैं, फिर आपको बताता हूं। देखिए अब आ गया सिलेबस की बारी, मैं आपके साथ हर एक एग्जाम के पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से करूंगा। तो एक्चुअली हम लोग बिलोंग करते हैं टीचिंग बैकग्राउंड से, तो ये असिस्टेंस कमिश्नर का है, तो हम लोग इसको अप्लाई हम लोग इसको नहीं करेंगे, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे पीआरटी टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस के बारे में अच्छे से। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर का है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स करते हैं तो वो अच्छे से उसको देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये हो गया आपका, उसके बाद जो है आपका किसका दिया हुआ है, ये दिया है आपका उसी का दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पार्ट टू जनरल अवेयरनेस दिया है,
स्कीम फॉर डायरेक्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का ये दिया है फ्रेंड्स, आप प्रिंसिपल हम लोग तो अप्लाई करते नहीं, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद जो है आपका स्कीम फॉर द वाइस प्रिंसिपल का दिया है, आप देख लीजिएगा इसको, सिलेबस फर्स्ट वाइस प्रिंसिपल का दिया है। उसके बाद जो है किसका दिया है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। देखिए चलिए, तो हम लोग टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे ये स्कीम फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो देखिए द रिटन टेस्ट 180 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और हर एक एग्जाम का एक मार्क्स होगा। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपका 180 मिनट्स का होगा विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर आप पार्ट, मतलब जैसे कि DSSSB में एग्जाम होता है, तो आप जब तक एक सेक्शन को कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आप दूसरे सेक्शन में आप जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा और 180 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, तो आपको जो है वो आप किसी भी सेक्शन में आप मूव कर सकते हैं बिना कोई देरी किए हुए, कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क आपका होगा, द ड्यूरेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। अब चलिए, अब आपका होगा जनरल, अब देखिए जनरल प्रोमिसिव में, अब देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ आइए सब्जेक्ट देखिए, नेचर आपका लैंग्वेज में आएगा, 10 नंबर का हिंदी आएगा, 10 नंबर का इंग्लिश आएगा, 10 नंबर का हिंदी आएगा। पार्ट टू में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का होगा, रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन का होगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। फिर एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये कुछ पेडागोगी का क्वेश्चन होगा, एजुकेशन एंड लीडरशिप शायद ये पेडागोगी का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपका पेडागोगी का है, तो आपको पेडागोगी बहुत ही अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द लीडरशिप, ये सब हो गया, आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और पार्ट फोर में आपका रहेगा क्या, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब आपका 100 मार्क्स का, अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, और अगर आप बिलोंग करते हैं मैथमेटिक्स से तो जो भी सब्जेक्ट से रहेगा तो उससे आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रहेगा। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका 60 मार्क्स का क्या होगा, आपका होगा जिसमें कि डेमो रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, डेमो का, डेमो टीचिंग का 30 मार्क्स रहेगा और इंटरव्यू का आपका 36 मार्क्स होगा। नोट दैट द वेटेज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ टीचिंग एंड इंटरव्यू 15-15 आपका होगा, डेमो का 15 होगा और इंटरव्यू का 15 होगा, 15-15 जो आपका 60 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाएगा उसमें टीचिंग का 15 मार्क्स होगा और आपका 15 मार्क्स आपका इंटरव्यू का होगा, 7:30 का रिटन एग्जाम, मतलब 100% का जब आपका मेरिट बनेगा तो उसमें आपका जो है वो 70% जो है आपका किसका बनेगा, रिटन एग्जाम का, और 30% जो है आपका वो बनेगा किसके ऊपर, ये जो लिया जाएगा उसके ऊपर। तो 70% वेटेज रहेगा रिटन एग्जामिनेशन का और 30% आपका वेटेज रहेगा किसका, वो 30% आपका वेटेज रहेगा किसका, वो रहेगा आपका ये 30% आपका वेटेज रहेगा आपके इंटरव्यू का। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द PGT, डायरेक्ट सिलेबस ऑफ द PGT, तो ये तो किसका था, डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। अब ये हो गया आपका, तो ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस में आपको दिया है कि क्या क्या आएगा PGT के सिलेबस में, ठीक है। 20 मार्क्स का आएगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा, वर्ड पावर आएगा, और जनरल हिंदी में वही आएगा आपका, पठन कौशल ये सब आपका आएगा। फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी में आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा, तो वही आता है आपका, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक GK से आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से रहेगा, 5 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, और आपका जो है वो 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद 15 क्वेश्चन शायद इन्होंने 15 क्वेश्चन बोला है शायद, सॉरी 15 क्वेश्चन 40 मार्क्स का ही आएगा ये, हाँ ठीक है, 40 मार्क्स का आपका पेडागोगी आएगा। यहाँ पर मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ, रुकिए। चलिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, 180 क्वेश्चन आएगा आपका, तो चलिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, 20 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का हो गया, जिसमें कि आपका क्या क्या हो गया, 10 मार्क्स हिंदी, 10 मार्क्स इंग्लिश हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका
पार्ट थ्री में आपका 20 मार्क्स का क्या होगा, आपका रीजनिंग एबिलिटी और आपका कंप्यूटर, मतलब 10 मार्क्स का आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, 5 मार्क्स का आपका आएगा रीजनिंग और 5 मार्क्स का आपका क्या आएगा आपका, तो 20 कितना हो गया आपका, 20 मार्क्स का ये भी हो गया, तो यहाँ जोड़ दीजिए 20 मार्क्स, जिसमें 10 मार्क्स आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, 5 रीजनिंग और 5 आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, और 40 क्वेश्चन आएगा पेडागोगी का क्वेश्चन, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, 0 0 0 80 क्वेश्चन आ गया, और आपका ये 100 क्वेश्चन तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, यानी टोटल नंबर ऑफ आपका हो गया 180, यानी 10 मार्क्स का हिंदी, 10 मार्क्स का इंग्लिश और 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का हिंदी, 10 मार्क्स का इंग्लिश हो गया आपका। उसके बाद आपका जनरल 20 मार्क्स में आपका क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, 5 नंबर का रीजनिंग और 5 नंबर का कंप्यूटर आपका रहेगा, और 40 मार्क्स का आपका जो रहेगा क्या रहेगा, पेडागोजी का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, 100 मार्क्स का आपका रहेगा ये क्या, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको टेस्ट के बारे में बता दिया कि 70.30 रेशियो का दिया जाएगा, जिसमें 15 मार्क्स का ये रहेगा, तो 150 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट दिया है अच्छे से, क्या क्या आपको तैयार करना है, जनरल अवेयरनेस रहेगा, करेंट अफेयर्स रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी में 5 क्वेश्चन रहेगा, तो जनरल वही क्वेश्चन आता है, और आपका एजुकेशन लीडरशिप में 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये सब यहाँ पर सिलेबस आपको दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयार कर लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग, क्वेश्चन, ये सब इसको अच्छे से इन्होंने सब कुछ अच्छे से क्यूरिफाई करके इन्होंने सब कुछ सिलेबस दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स, देख करके, सिलेबस को ही देख करके चलिएगा। अब आ जाइए, वो था आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, और ये आपका आ गया सबसे बड़ा दुविधा, सबसे बड़ा जो हुआ हल्ला मचा हुआ था वो टीजीटी के सिलेबस के लिए हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो टीजीटी का 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें जो है वो उसमें कॉमन पेपर था, सभी के लिए कॉमन पेपर, उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऐड नहीं था, लेकिन मैंने जब शुरू में ये पीडीएफ पढ़ा तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, और द रिटर्न टेस्ट इज 180 मार्क्स का आपका होगा एंड कैरिंग 1 मार्क्स फॉर इच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और द ड्यूरेशन ऑफ ए 180 मिनट्स का आपका क्या होगा, आपका 180 मिनट आपको दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटा का समय आपको जो है वो दिया जाएगा। सेक्शन नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, आपका जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का हिंदी का रहेगा, ठीक है। उसके बाद यही पैटर्न है, जनरल पेपर जो मैंने पीजीटी में आपको बताया था वही आपका टीजीटी में है, और यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन रहेगा, और कंप्यूटर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेगा, और फिर पेडागोगी का 40 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको रहेगा। यहाँ पर सिलेबस आपको सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है कि क्या क्या है, ठीक है, टॉपिक वाइज आप इसको देख लीजिएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऐड हो गया है फ्रेंड्स, बहुत हल्ला हंगामा मचा हुआ था, और यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो ऐड हो चुका है। तो क्या हो गया आपका, मैं एक बार फिर से इसको बेसिकली बता देता हूँ, आपका जो होगा टीजीटी में 180 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें कि 10 मार्क्स का हिंदी, 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश, 10 मार्क्स का आपका जीके जीएस, ये तो जनरल पेपर हो गया, 5 मार्क्स का आपका रीजनिंग और 5 मार्क्स का आपका कंप्यूटर हो गया, तो 10 और 10 20 और 20 40 और 40 मार्क्स का आपका पेडागोगी हो गया, 40 प्लस 40 80 मार्क्स का, और 80 हो गया, और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 10 हिंदी, फिर से बता देता हूँ, 10 इधर मैं लिख देता हूँ, रुकिए नीचे मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए टीजीटी के सिलेबस में 10 आपका हिंदी हो गया, 10 आपका इंग्लिश हो गया, 5 आपका रीजनिंग हो गया, 10 आपका जीके जीएस हो गया, जिसमें कुछ करंट अफेयर रहेगा, स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन रहेगा, और 5 नंबर आपका जो रहेगा वो कंप्यूटर का रहेगा, तो कितना हो गया आपका, 10 और 10 20 और 5 25 और 10 35, सॉरी 10 और 10 हाँ ये आपका कितना हो गया, इधर आपका 40 मार्क्स का हो गया, ठीक है, 10 20 25 10 35 और 5 40, और 40 मार्क्स का आपका पेडागोगी हो गया, 40 40 से 140 40 80 हो गया, और 100 मार्क्स आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी टोटल आपका हो गया 180 मार्क्स हो गया। और यहाँ पर उसके बाद आपका क्या होगा, आपका
द प्रोफेशनल कंप्यूटर टेस्ट विल बी ये अब यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 30 मार्क्स का 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें 30 मार्क्स का आपका डेमो का लिया जाएगा और 30 मार्क्स आपको इंटरव्यू का मिलेगा, ठीक है। और वेटेज वही है 70:30, 70 मार्क्स आपको आपके रिटर्न एग्जाम का मिलेगा और 30 मार्क्स जो है आपको मिलेगा अपने ये डेमो का और इंटरव्यू का जो आप दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग उसका मार्क्स एडअप होगा, ये हो गया आपका। चलिए अब यहाँ पर आपको सब कुछ सिलेबस दिया है कि आपका जनरल इंग्लिश में क्या होगा, जनरल हिंदी में क्या होगा, ये सब सब कुछ आपका डिटेल में आप यहाँ देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक मैं पूरा डिटेल सब बना दूंगा, नहीं तो मैं पूरा बनाने लगूंगा तो ये आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको दिया हुआ है अच्छे से और बहुत ही समझदारी से आपको दिया। पीआरटी के लिए आपका देखिए क्या दिया हुआ है, तो पीआरटी के लिए भी देख लीजिए, इसके लिए भी हल्ला हंगामा मचा हुआ था कि पीआरटी का क्या है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका 180 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 1 मार्क्स इच क्वेश्चन। और यहाँ पर शायद यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है, मैंने आपको बताया था कि DSSP में एग्जाम होता है तो आप जैसे हिंदी का क्वेश्चन जब तक 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करिएगा, उसको सबमिट नहीं करिएगा, तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन में सेक्शन में नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा और आप कहीं पर भी कहीं से भी आप आके कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये यह हो गया 100। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा तो दिख रहा है। बाकी मैं अगर कुछ ऐसा होता तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद जो है आपका क्या प्रोफेंसी ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर देखिए 20 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का हिंदी और 10 मार्क्स का हिंदी। जनरल हवाले 10 नंबर का होगा, 5 रीजनिंग, वही जो जनरल पेपर का जो सिलेबस है सभी पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो सबका सेम है, वही 10 मार्क्स का आपका हिंदी, 10 मार्क्स का हिंदी, 10 मार्क्स का इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस वही हो गया आपका 5 मार्क्स, 10 मार्क्स का रीजनिंग एबिलिटी, 5 मार्क्स का कंप्यूटर का, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद 60 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर पेडागोगी का, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, 60 क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ पर पेडागोगी का, ठीक है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होगा यहाँ पर 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है यहाँ पर 80 मार्क्स का होगा यहाँ पर, अब देखिए नीचे आपको पता चलेगा। और वही आपको द प्रोफेशनल कंपिटेटिव टेस्ट जो आपका होगा वो 60 मार्क्स का होगा, यहाँ पर भी जो इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का होगा, जिसमें कि डेमो 30 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का आपका वही क्या हो जाएगा आपका इंटरव्यू हो जाएगा जो लिया जाएगा। और 15:70 रेशियो जो मैंने आपको टीजीटी और पीजीटी के बारे में बताया वही आपका यहाँ पर भी प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पर आपको जो है वो डिटेल्स में पीआरटी का सिलेबस आपको दिया है कि जनरल इंग्लिश में क्या होगा, जनरल हिंदी में क्या होगा, पठन कौशल क्या होगा, जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, रीजनिंग एबिलिटी में क्या होगा, कंप्यूटर एबिलिटी में क्या होगा। फिर ये 60 मार्क्स का आपका पेडागोगी है, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, इन्होंने इसको अभी सिलेबस बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। जो भी है सिलेबस बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो उसमें कुछ नीचे दिया है, उसको मैं बता देता हूँ क्या है, उसको देख लीजिएगा, 80 मार्क्स का वो है, ठीक है। नीचे मैं देखता हूँ स्कीम ऑफ द, ये नीचे मैं जाता हूँ वहाँ पर आपको, और सभी 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 का सब्जेक्ट जो है आपको दिया हुआ है कि द रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कैरिंग 1 मार्क्स, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको दिया है टीजीटी का सिलेबस दे दिया है, स्कीम ऑफ द रिक्वायरमेंट लाइब्रेरियन का दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का फिजिकल आर्थ कर दिया हुआ है, ये भी आप दिया हुआ है आपको बहुत अच्छे से सब कुछ, इसको भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका स्कीम फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फाइनेंस ऑफिसर का भी दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको सब इसका भी सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन करके इन्होंने दिया है, 90 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको ये जो दिया है आप देख लीजिएगा, क्योंकि सब पोस्ट हम लोग अप्लाई नहीं करते, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ सेक्शन ऑफिसर का दिया हुआ है, तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब सब दिया हुआ है। इसके बाद स्कीम ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर का दिया हुआ है, या फिर आपका ये दिया हुआ है। उसके बाद स्टेनोग्राफर का सिलेबस दिया हुआ है, उसके बाद स्किल टेस्ट का दिया हुआ है कि स्किल टेस्ट में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्कीम ऑफ जूनियर इसका दिया हुआ है, जो जो टाइप से स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछेंगे इन लोग, ये
पीजीटी का सिलेबस यहाँ पर सब कुछ का दिया हुआ, देखिए आपको यहाँ पीजीटी का सिलेबस सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या क्या पूछेगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सबका, तो सबका टॉपिक्स वाइज दिया हुआ है। बहुत ही हेल्पफुल होता है टीजीटी वाले कैंडिडेट के लिए, पीजीटी वाले कैंडिडेट के लिए। और इनका भी जो है वो दिया हुआ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मैथ में क्या आएगा, साइंस में क्या आएगा, और ये सब, ठीक है। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, सब्जेक्ट और स्पेसिफिक ऑफ ड्राइट रिक्वायरमेंट पीजीटी के लिए दिया है। तो मैथमेटिक्स बायोलॉजी का दिया है, तो मैथमेटिक्स में सेट ये सब दिया है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सब कुछ देख लीजिएगा, डिटरमिनेंट्स क्या क्या है, उसके बाद वेक्टर ये सब सब देख लीजिएगा, उसके बाद पीजीटी फिजिक्स का दिया है ये भी देख लीजिएगा, उसके बाद जो है वो क्या दिया है आपको, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपको दिया है ये भी आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको सब दिया है आपको बारी बारी से, जो भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं सब कुछ अच्छे से देख लीजिएगा। पीजीटी बायोलॉजी का दिया है आप देख सकते हैं, उसके बाद नीचे पीजीटी कंप्यूटर साइंस का दिया है, लॉ एंड एथिक्स का दिया है आपको, कंप्यूटर में क्या आएगा वो दिया है, सब कुछ देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बिजनेस स्टडीज का दिया है आपको, ये भी देख लीजिएगा, सब कुछ अच्छे से देख लीजिएगा। पीजीटी कॉमर्स का दिया हुआ है ये भी देख लीजिएगा, उसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स का दिया है वो भी अच्छे से देख लीजिएगा कि पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस दिया है, उसके बाद कंपटीशन है ये सब सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या है सब कुछ देख लीजिएगा। पीजीटी जियोग्राफी का दिया हुआ है वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद जो है पीजीटी हिस्ट्री ये भी दिया हुआ है, ये भी सब देख लीजिएगा अच्छे से। पीजीटी इंग्लिश का दिया हुआ है, पीजीटी हिंदी का दिया हुआ है, सारा सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन करके दिया। बायोटेक्नोलॉजी का दिया हुआ है, और टीजीटी के लिए भी आप देखिए आपको सब कुछ दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, तो सारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा। सब कुछ आपको नीचे से अच्छे से दिया, टीजीटी मैथमेटिक्स का दिया है आपको, क्या क्या दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे से इन्होंने सब कुछ डिफाइन किया है, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा सब कुछ का, साइंस का सब कुछ अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है, उसके बारे में आप सब कुछ देख लीजिएगा। टीजीटी सोशल स्टडी का दिया हुआ है, उसके बाद जो है इन्होंने किसका दिया है, टीजीटी इंग्लिश का दिया है, हिंदी का दिया है, टीजीटी संस्कृत का दिया है, टीजीटी सिलेबस आर्ट एजुकेशन का दिया है, लाइब्रेरी का दिया है, टीजीटी आर्ट एजुकेशन का दिया है, सब देख लीजिएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट बिलोंग करता है आप अच्छे से सिलेबस को देख लीजिएगा, हर एक चीज़ों के ऊपर आप हर एक चीज़ वीडियो के लिए मतलब डिपेंड मत रहिए, आप अपने से भी आप अपना सिलेबस अच्छे से देखिए, तब तो आप अच्छे से तैयारी कर पाइएगा। ये सब आपको सब कुछ सिलेबस दिया है, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या दिया है ये सब भी दिया है, सब देख लीजिएगा फ्रेंड्स अच्छे से। उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए दिया है इन्होंने, पीआरटी के लिए दिया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, देखिए क्या क्या है पीआरटी का, जिसमें कि हम लोग सभी कोई अप्लाई करते हैं, इंग्लिश में इन्होंने दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस टेक्स्ट बुक 1 to 5 तक का होगा, हाउएवर दैट क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग डेप्थ अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सीनियर सेकेंडरी अप टू क्लास 12। क्लास 12 तक भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, डिफिकल्टी लेवल रहेगा। अब चलिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में क्या रहेगा ये रहेगा, देख लीजिएगा क्या क्या है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव ये सब सब दिया है, आप देख ही सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, प्रमोशन ये प्रोनाउन एडजेक्टिव टेंस ये सब सब आपको दिया है, ठीक है, ये सब सब कुछ आपको दिया है, देख लीजिएगा हिंदी में जो है आपको दिया है, क्या हिंदी में भी आपको दिया है संज्ञा विशेषण सब कुछ आपको दिया है, मैथमेटिक्स में आपको दिया है शेप स्पाइडल अंडरस्टैंडिंग
सेंस ऑफ नंबर्स, ऑपरेशन ऑफ नंबर, डिवीजन, मल्टल, अर्थमेटिकल, ये सब देख लीजिएगा। एनवायरमेंटल साइंस में देख लीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स इसके बारे में देख लीजिएगा। तो ये सब सब दिया है, पीआरटी म्यूजिक, तो ये सब सब अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो ये सब आपका डिटेल सिलेबस हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैथमेटिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। फ्रेंड्स, मैं एक छोटा क्रिएटर हूं, तो मेरे को ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, मैं कुछ कोर्स नहीं चलाता हूं। मैं आपको भी पढ़ा दूंगा, और अपने साथ साथ मेरा भी कुछ कुछ रिवीजन हो जाएगा। तो मैं भी आपको मैथमेटिक्स का कुछ कुछ कंटेंट और साइंस का कंटेंट और भी मैं कुछ करूंगा, तो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये सब चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चलिए वीडियो को थोड़ा प्यार दीजिएगा, थोड़ा व्यू आएगा तो हमको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।